कांग्रेस ने करा क्या मेरे को, तुम ये बता दो। बीजेपी ने तो मोदी का भाई राम मंदिर बनाया, सबसे बड़ी बात है भाई। कांग्रेस सुनो सुनो सुनो, जब तक कांग्रेस थी तब तक राम मंदिर का क्या केस चल रहा था, नहीं जीता। अब मोदी आए तो मोदी ने जवान निकाल दी, निकाल के राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर से क्या मिलेगा हमें, हमें हमारा बाप है वो राम मंदिर, राम हमारा बाप है, ठीक है, उसी के मजी से सब कुछ है राम मंदिर से। अरे तुम्हें क्या मिल रहा है कांग्रेस से, क्या मिल रहा है कांग्रेस से, क्या मिल रहा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कांग्रेस से आपको क्या मिल रहा है मेरे को ये बताओ, किसी से मिलेगा आपको? धर्म में विश्वास करते नहीं तो आपको, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। मैं वही बोल रहा हूँ, आप साइड हो जाओ, आपसे तो पूछना ही नहीं करना। मैं तुमसे पहले ही बोल भाई साहब, आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार, आप तो आप लोगों की बात कर रहे हैं। मैं अपने बाप को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, मतलब अपने बाप को नहीं मानता, क्या मतलब यार, धर्म को गाली दे रहे हो हमारा, कुछ भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं, क्या धर्म को नहीं मानता। मेरी बात सुन लो यार, मूर्खों वाली बात कर रहे हो। जिसने ऑन रिकॉर्ड, जिसने ऑन रिकॉर्ड सब छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को लेके बोला ऐसे रख दे, आपको आपको एमपीएम बना दोगे। अरे ये कह रहे कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, धर्म को नहीं मानता, उससे क्या बात कर रहे हो यार, उसको कैसे पीएम बना दोगे यार? तो क्या कांग्रेस भाई ये मुसलमानों का खा रहा है, मेरे से पूछो। ये कांग्रेस ही सरकार लाना चाह रहा है, मतलब ये पाकिस्तान से आया हुआ है, धर्म को भी नहीं, और ये धर्म को भी नहीं मान रहा। ये मुस्लिम धर्म अपना लो, जाके लुल्ली कटवा लो और जाके नमाज पढ़ लो। यहाँ तुम्हारा काम नहीं है, यहाँ सिर्फ हिंदुओं का काम है, जो धर्म का नहीं है, सिर्फ सिर्फ हिंदुओं का काम है, ठीक है, कांग्रेसियों का नहीं। जाके टावर में का नहीं, बहस की बात नहीं, पहले तो कोई बहस की बात नहीं, आपने कहा ना कांग्रेस की सरकार बिना धर्म मेरे भाई देश को खराब करवाओगे, क्या देश को खराब करवाओगे? बहनों को मरवाओगे, सुधर जाओ। अब भी कह रहा हूँ सुधर जाओ भाई, इनको कसम तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ बहनों का बलात्कार होगा भाई। ये बताओ ये जो आपको दिखाई दे रहा है, भाई को दिखाई दे रहा है, और इन लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता कांग्रेस इनको नहीं देता? इनकी आंख सुनो, इनकी आंखों पे अभी कॉन्डम कॉन्डम है, चिपक रहा है यहाँ, चिपक रहा है यहाँ, दो मैन फोर्स के दोनों चिपक रहे हैं इनको, इसलिए दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये कांग्रेस इसलिए गा रहे क्योंकि इन्हें पता है कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेसी की बात कर रहे हरामी, असलियत में क्या मतलब है, असलियत में क्या मतलब यार, पैसे मिल रहे इसके होटलाल गुटके मिल रहे हैं इन्हें, इन्हें दारू मिल रही है, इन्हें पैसा मिल रहा है, इन्हें राशन मिल रहा है फ्री का, तो भैया ये तो कांग्रेसी की गाएंगे ना। अरे तुम तो वैसे एक बात बताओ, जैसे कि इन भाइयों ने बोला देखो फ्री का राशन, फ्री का पानी, फ्री की बिजली तो मिल जाएगी, अरे और भी तो जरूरतें होती है, पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं कमाने क्या? अच्छा भाई, अच्छा भाई मुझे बताओ, जैसे अब 10 साल में आपने ये सब काम देखा, राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, 3 तलाक आ गया, और भी जो सिक्योरिटी पे काम हो रहा है, आने वाले 5 साल में आप क्या देख रहे हो भाई? आने वाले सुनो, बड़ा बदलाव होने वाला, बदलाव होने वाला और बदलाव हुआ है, ठीक है। आने वाले 5 सालों में मैं बता दूं, अगर ये जो बेरोजगारी की बात उठ रही है कि मोदी ने और ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया, वो सब होगा, वो टाइम टाइम पे, वो बंदा सोच के चलता है, वो यूनी के बहन की जो गुस्से में ट्रिगर लगाया और दबा दी, ठीक है, वो सोच के चल रहा है, वो आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेगा वो, ठीक है। जो भाई ये कह रहे हैं ना कि मेरे को ड्यूटी नहीं मिली, ड्यूटी मिलेगी, पर ड्यूटी घर बैठे नहीं मिलेगी, उसमें पढ़ना है, लिखना है, बेंचो दिन रात मेहनत करना है, जब ड्यूटी मिलेगी घर बैठे बेंचो तुम्हें पैसे नहीं मिल जाएंगे, पैसे भी कमाना पड़ता है मेहनत गांड घिसा के, ठीक है, ऐसे बैठ के पैसे नहीं आ जाएंगे। और मैं बता दूं आने वाले 5 साल में सब कुछ बढ़िया होगा, बस तुम थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। आने वाले 4 जून के बाद जो मोदी जी ने बोला है ना कि हौसला होगा ना किसी के औकात होगी, ना हौसला होगा ना किसी के औकात होगी, समझ गए? बस एज ए पब्लिक मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जनसंख्या कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो इतना ही चाहिए कि जनसंख्या कानून। अच्छा अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं या उनके नेता कहीं कहीं बोलते बोलते कुछ बोल देते हैं ऐसे कि हमको 400 सीटें चाहिए क्योंकि हम संविधान में
बदलाव करना चाहते हैं? संविधान को बदलने के लिए तीन तिहाई तो चाहिए ना। तो संविधान में क्या बदलाव की जरूरत है? संविधान ठीक नहीं है। देखो, घर की जो हमारी परिस्थितियाँ होती हैं, जो पुराने हो जाते हैं, उसको बदलते हैं ना कुछ सालों बाद, जब पिताजी बनाए, दादाजी ने बनाया, बेटा कहते नहीं इसे अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि नए जनरेशन, नई सोच, नई हर चीज आ रही है। तो नहीं हुआ सोच रहे कि हमें कुछ इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। क्या आप क्या देखते हो, मूल चलूल आप देखते हो तो क्या देखते हो, मोटा मोटा एक दो अगर मैं पूछना चाहूँगा? जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था में हमारी अमेंडमेंट की जरूरत है, एजुकेशन में अमेंडमेंट की जरूरत, स्वास्थ्य के लिए इतनी पढ़ाई के, हमारा जो वर्कलोड है ना, जिसके पास सक्षम नहीं है कॉलेजों में एंट्री के लिए, हमारे देश में बहुत ज़्यादा